हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निको। आज हम इस लेक्चर में लिटरल्स, इनके टाइप्स, वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स को पढ़ेंगे। और आपने अब तक हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए सबसे पहले लिटरल्स से स्टार्ट करते हैं। तो लिटरल्स आर द कॉन्स्टेंट वैल्यू That does not get changed during the program execution. मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन द्वारा इसकी वैल्यू नहीं बदलती। एक बार जो फिक्स हो गए वो हो गए। ये मेनली बेसिकली लिटरल्स दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स और नॉन न्यूमेरिक लिटरल्स। फर्दर न्यूमेरिक लिटरल्स दो टाइप के होते हैं, इंटीजर लिटरल्स और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट को हम रियल लिटरल्स भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं हम आगे हम देखेंगे अभी। और नॉन न्यूमेरिक लिटरल्स भी तीन टाइप के होते हैं, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग और बूलियन लिटरल्स। सबसे पहले इंटीजर लिटरल्स से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर लिटरल इज एनी होल नंबर विच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। एग्जांपल की बात है जिसमें -1, 26, -32, 59, मतलब कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बस उसमें डेसिमल पॉइंट ना हो। और पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, इसे हम इंटीजर लिटरल्स बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम रियल लिटरल्स भी बोलते हैं, जैसे आपको मैं पहले बताया है। ये कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, जैसे कि इंटीजर लिटरल्स थे, पर इनमें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, जैसे -0.08, 6.9, 23.4, ये सब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में आएंगे। कैरेक्टर लिटरल्स की बात की जाए तो वही कोई भी कैरेक्टर लेने, ए बी सी डी एफ जे, कोई जेड तक कोई भी कैरेक्टर हो, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इस बात को नोट किया जाए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से वो घिरे होने चाहिए और सिर्फ एक कैरेक्टर, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्मॉल ए एक सिंगल इनवर्टेड कॉमा में, कैपिटल बी डबल सिंगल इनवर्टेड कॉमा में और सी सिंगल इनवर्टेड कॉमा में, ये कैरेक्टर लिटरल्स में आएगा। स्ट्रिंग लिटरल्स की बात की जाए तो वो कैरेक्टर लिटरल्स की तरह होते हैं। जैसे उसमें ये था कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो सकता था सिंगल इनवर्टेड कॉमा में, इसमें डबल इनवर्टेड कॉमा होता है और एक और एक से ज्यादा, मतलब एक भी होगा हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब कैटरेटर को स्ट्रिंग लेटर का टाइप मान सकते हैं और उसको लिखने का तरीका अलग है, उसके अलग फीचर्स भी हैं। स्ट्रिंग लेटर्स के डेफिनेशन की बात की जाए तो वन और मोर देन वन कैरेक्टर्स इंक्लोज्ड विद इन डबल इनवर्टेड कॉमा को हम बोलते हैं स्ट्रिंग लेटर्स। बूलियन लेटर्स में बात की जाए तो बूलियन लेटर्स आर स्पेशल लेटर्स, ये एक अलग टाइप के होते हैं। इसमें सिर्फ दो वैल्यू लेते हैं, ये ट्रू या फॉल्स। ये हम किसी भी जावा प्रोग्राम में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि पता लगाने के कोई भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू या फॉल्स आ रही है। अब प्रोग्राम के जब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग में, तो हम उसका यूज क्या होता है आपको पता चल जाएगा। क्या कोई सामने से लिखा रहा है नोट करके, वी कैन अप्लाई बूलियन लिटरल इन जावा प्रोग्राम टू इंश्योर दैट द गिवन लॉजिकल कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। एक नल लिटरल्स भी आता है, ये आपके थ्योरी में पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नल लिटरल्स जैसे आप डेफिनेशन तो याद कर सकते हैं, इसका कोई बेसिकली कोई यूज पड़ता नहीं हमारे प्रोग्रामिंग में। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दिस इज अनदर स्पेशल लिटरल, ये भी एक बूलियन लिटरल का एक अलग स्पेशल लिटरल है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैश ओ से। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल, नोट किया जाता है, दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम। दे यूज एज अ जनरल टर्मिनोलॉजी for the names given to different part of the program, example, variable, function, class. Basically, ये अलग अलग जो हमारे प्रोग्राम के जो पार्ट्स होते हैं उनको जो बोला जाता है उसे ही आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। पर कभी कभी हम आइडेंटिफायर्स को ना हम वेरिएबल्स की तरह भी ले सकते हैं। बोलते हैं कोई एक आइडेंटिफायर ए है, वो जो कि हम उसको वेरिएबल बोल रहे हैं, तो नोट करके इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं, समटाइम्स आइडेंटिफायर्स कैन ऑल्सो बी यूज और नेम्ड एज वेरिएबल्स। तो अब आगे हम देखते हैं कि रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर के फॉर्मेशन या उसको लिखने का क्या तरीका होता है आइडेंटिफायर का, क्या कंडीशन होती है कि उस आइडेंटिफायर कहेंगे नहीं कहेंगे, हम आइडेंटिफायर में कोई वेरिएबल में क्या हम नहीं ले सकते हैं ले सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले नोटेबल पॉइंट आता है कि आइडेंटिफायर कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैरेक्टर। उसमें तो अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट्स का बना हो सकता है, अंडरस्कोर और डॉलर एक एक्स्ट्रा आता है डिजिट्स अल्फाबेट्स के अलावा, और कोई सिंबल हम नहीं इस्तेमाल कर सकते आइडेंटिफायर में, बस अंडरस्कोर, डॉलर, डिजिट और अल्फाबेट ही होना चाहिए। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड,
कीवर्ड क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे बाकी लेक्चर्स में अगले आएगा कीवर्ड्स क्या होता है, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है कीवर्ड क्या है, तो कोई बात नहीं आगे आएगा लेक्चर में। आइडेंटिफाई जो होता है, आइडेंटिफाई मस्ट नॉट बिगिन विथ अ डिजिट, मतलब डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। आइडेंटिफाई किसी भी लेंथ का हो सकता है, मतलब जो लेंथ चाहे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी लेंथ आइडेंटिफाई की रख सकते हैं। देन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कभी क्वेश्चन पूछ ही जाता है कि एग्जाम्पल दे के कि आइडेंटिफायर करेक्ट है कि नहीं। आइडेंटिफायर शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस, आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, और हमको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल और आने वाले वीडियोस आप देखते रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।